हेलो, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया एंटरटेनमेंट और मैं हूं आपके साथ विशाखा। बिग बॉस सीजन 13 के विनर रहे सिद्धार्थ शुक्ला और उनके सबसे करीबी और चहेती दोस्त शहनाज गिल का रोमांटिक म्यूजिक एल्बम अब जल्द रिलीज होने वाला है। जी हां, सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज ने दोनों ने ही अपने इंस्टाग्राम के थ्रू अपने सिडनाज फैंस को इस बात की खुशखबरी दे दी है। जी हाँ, दोनों ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के थ्रू उन्होंने अपने इस म्यूजिक एल्बम का एक नया पोस्टर शेयर करते हुए इस म्यूजिक एल्बम की रिलीज डेट की जानकारी अपने सिडनाज फैंस को दी है। जी हाँ, बता दें कि इन दोनों का ये जो रोमांटिक सॉन्ग है, जो काफ़ी टाइम से बस बनाए हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है, सुर्खियों में है, ये जल्द अब 24 मार्च को रिलीज़ होने वाला है। जी हाँ, ये 24 मार्च को ये म्यूज़िक रिलीज़ होने वाला है और फैंस का जो बेसब्री से जो फैंस इंतज़ार कर रहे थे इस म्यूज़िक एल्बम को देखने के लिए, वो इंतज़ार अब जल्द सिडनाज फैंस का ख़त्म होगा। दोनों ने दरअसल अपने इंस्टाग्राम पर इसका पोस्टर शेयर किया। इससे पहले भी इनका ये जो म्यूज़िक एल्बम है उसका फर्स्ट लुक पोस्टर शेयर किया गया था, जिसमें दोनों की काफ़ी सिजलिंग केमिस्ट्री नज़र आई थी। दोनों एक दूसरे के आंखों में देख रहे थे और खोए हुए थे और काफ़ी रोमांटिक अंदाज में दोनों नज़र आ रहे थे। लेकिन उस वक्त इसकी रिलीज़ डेट के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं दी गई थी, लेकिन इस बार जो ये पोस्टर शेयर किया है, रिलीज़ किया गया है इस सॉन्ग का, इसके अंदर इसकी रिलीज़ डेट बता दी गई है, जो है 24 मार्च। यानी कि अब सिडनाज फैंस का जल्दी से वो इस सॉन्ग को देख पाएंगे और जो उनका इंतज़ार है वो अब ख़त्म होने को है। इस सॉन्ग को देखने के लिए वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। सिडनाज फैंस कहीं ना मतलब हर जगह से ये देखने की कोशिश कर रहे थे, इसकी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे थे कि कब सिडनाज का ये रोमांटिक म्यूजिक एल्बम आएगा, कब हम इसे देख पाएंगे। और जैसे ही ये पोस्टर रिलीज हुआ, जिसमें दोनों ने सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज ने दोनों ने ही इस म्यूजिक एल्बम की रिलीज डेट को बताया, उसके बाद से सिडनाज फैंस के अंदर हलचल मच गई है बहुत ज्यादा और उनका जो इंतजार है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल सारे सिडनाज फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं उसके उन दोनों के इस म्यूज़िक एल्बम को देखने के लिए। और जिस तरह से ये पोस्टर अभी शेयर किया है दोनों ने, सिद्धार्थ और शहनाज ने, ये पोस्टर भी काफ़ी रोमांटिक नज़र आ रहा है। जी हाँ, दोनों जने इसके अंदर भी मतलब एक बेड पे लेटे हुए हैं और दोनों एक दूसरे की आंखों में ही खोए हुए हैं, देख रहे हैं एक दूसरे को और काफ़ी रोमांटिक लुक इन दोनों का इस पोस्टर में देखने को मिल रहा है। केमिस्ट्री काफ़ी ज़बरदस्त इस पोस्टर में देखने को मिल रही है, जैसा कि बिग बॉस में भी इन दोनों की जो केमिस्ट्री देखने को मिली थी, जिसके दीवाने काफ़ी ज़्यादा लाखों लोग करोड़ों लोग जिनकी केमिस्ट्री के दीवाने हो गए थे, जल्द अब दोबारा स्क्रीन पर इन दोनों की केमिस्ट्री देखने के लिए बरकरार हैं सिडनाज फैंस और अब जल्द ये केमिस्ट्री दोबारा आप पर्दे पर देखने को मिलेगी। अब ये खबर तो सामने आई गई है कि ये 24 मार्च को रिलीज होने जा रहा है और जो फैंस हैं सिडनाज के वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं ये देखने के लिए, उनका इंतज़ार अब बस ख़त्म होने को है। और इसके अलावा इस पोस्टर में ये और बता दें कि ये सॉन्ग जो है वो दर्शन रावल ने गाया है, जो जिनकी आवाज़ काफ़ी शानदार है और कई उन्होंने रोमांटिक गाने पहले भी गाए हैं जो सारे ही अब तक हिट ही रहे हैं। ऐसा कोई भी गाना नहीं है जो दर्शन रावल का सॉन्ग हिट नहीं हुआ हो, तो यही कयास लगाए जा रहे हैं, यही खबरें आ रही हैं कि दर्शन रावल ने ये उनका दोनों सिडनाज का ये जो रोमांटिक सॉन्ग गाया है वो भी उतना ही हिट होगा जितने उनके अब तक के गाने हिट हो चुके हैं। और एक तरफ देखा जाए तो दर्शन रावल की आवाज़ और एक तरफ सिडनाज का बॉन्ड, इनकी ये जो केमिस्ट्री है, सबसे हटके जो केमिस्ट्री है वो, तो दोनों जब एक साथ मिलेंगे तो पर्दे पे वाकई धमाल ज़रूर मचाएंगे और इनकी जो केमिस्ट्री है वो शानदार उभर के निकलेगी। वहीं कुछ तस्वीरें और कुछ वायरल्स कुछ फ़ोटोज़ भी काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी, जिसमें बारिश का सीन सीक्वल तक दिखाया गया था। यानी कि इस म्यूज़िक एल्बम में ये म्यूज़िक एल्बम काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक होने वाला है, काफ़ी रोमांटिक केमिस्ट्री देखने को मिलेगी सिडनाज की। इनके बारिश के सीन दिखाए गए हैं, मतलब इस सॉन्ग को बारिश में भी शूट किया गया है और काफ़ी कई सीन्स ऐसे हैं कि दोनों अलग भी हो रहे हैं और पास भी आ रहे हैं, नज़दीकियाँ भी हैं, तो इस तरह की कंसेप्ट इस वीडियो की पिक्चर्स और वीडियोस में देखने को मिले हैं, जो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट भी बढ़ाते जा रहे हैं फैंस के बीच के ये म्यूज़िक एल्बम कैसा होगा, कितनी केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। दरअसल आसिम रियाज और हिमांशी खुराना का भी एक अभी लेटेस्ट म्यूज़िक एल्बम आया है, कल्ला सोनानी, जो मतलब जिसने काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट ज़रूर बढ़ाया था फैंस के बीच, लेकिन उतना वो कमाल नहीं कर पाई, उतना धमाल नहीं मचा पाई
पाई। लोग तो यहाँ तक ये कह रहे थे कि दोनों की काफी ओवर एक्टिंग भी नजर आई इस म्यूजिक एल्बम में, मतलब उतनी केमिस्ट्री नहीं दिखी जितनी उनकी बिग बॉस के घर में दिखाई देती थी। उनके वो जो लव बॉन्ड नजर आता था दोनों का, आसिम का और हिमांशी का, वो वापस से बिग बॉस के बाद जब दोनों पहली बार एक साथ दोबारा म्यूजिक एल्बम में नजर आया तो उस म्यूजिक में, उस गाने में, उस सॉन्ग में वो केमिस्ट्री उतनी उभर के नहीं आई और उतनी नजर नहीं आई आसिम और हिमांशी की। तो अब उम्मीदें टिकी है तो सिर्फ सिडनाज पे। वैसे जितने भी कपल्स थे सब में से शानदार सिडनाज ही है, सिडनाज का बॉन्ड ही काफी ज्यादा वायरल हुआ है, काफी ज्यादा पसंद आया है, जहां देखो वहां हैशटैग सिडनाज इतना ज्यादा ट्रेंड किया है कि इन दोनों की जोड़ी के लोग काफी ज्यादा दीवाने हो गए हैं और देखने के लिए बरकरार हैं कि कब दोबारा दोनों की जोड़ी वापस स्क्रीन पर देखने को मिले। तो अब ये भी देखना होगा कि दोनों की केमिस्ट्री क्या वाकई जितनी बिग बॉस के घर में दिखाई दी थी, जो सिडनाज बॉन्ड लोगों ने बिग बॉस के घर में देखा था, क्या दोबारा से वो बॉन्ड लोगों को, वही केमिस्ट्री दोबारा से स्क्रीन पर एक म्यूजिक एल्बम में देखने को मिलती है या नहीं। ये उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा हैं सिडनाज फैंस के लिए, कि सिडनाज फैंस काफ़ी ज़्यादा उम्मीद लगाए बैठे हैं इस सॉन्ग को देखने के लिए और इनकी केमिस्ट्री देखने के लिए कि क्या दोनों जने वही केमिस्ट्री दिखा पाते हैं इस सॉन्ग के अंदर या नहीं। और वहीं दोनों का एक और ये खबरें आ रही है कि अरिजीत सिंह के साथ भी दोनों का एक और म्यूजिक एल्बम आ सकता है। जी हाँ, ये खबरें आ रही है, अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है लेकिन ये खबरें आ रही है कि सिडनाज बॉन्ड दोबारा से देखने को मिल सकता है अरिजीत सिंह के साथ। और बात करें अगर अरिजीत की तो उनकी आवाज तो काफी शानदार है और जितने भी गाने उन्होंने इंडस्ट्री को दिए हैं वो काफी हिट हुए हैं और अब तक भी लोग उसे सुनना पसंद करते हैं और हर जगह वो चलते ही हैं। और अगर उनकी आवाज़ हो और साथ में फिर सिडनाज बॉन्ड हो तो वो भी काफ़ी शानदार एक मतलब मिक्सर बनेगा एक म्यूज़िक एल्बम के अंदर, तो वो भी देखना काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट वाली बात होगी। तो आप भी सिडनाज फैंस हमें ये ज़रूर बताएं कि आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं सिडनाज बॉन्ड को दोबारा देखने के लिए, उनके इस म्यूज़िक एल्बम को देखने के लिए कितना एक्साइटेड हैं, और आपके क्या रिएक्शन रहे आसिम और हिमांशी के म्यूज़िक एल्बम को देखकर, वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और आप हमें कमेंट बॉक्स में ये भी ज़रूर बताएं कि क्या लगता है कि दोनों सिडनाज यानी कि सिद्धार्थ और शहनाज क्या हमें अरिजीत सिंह के साथ भी एक म्यूजिक एल्बम में दिखेंगे या नहीं, ये सब हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया एंटरटेनमेंट को देखते रहिए और जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और हाँ, बॉलीवुड अपडेट से, बॉलीवुड से जुड़ी और भी अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू।